नमस्ते एंड वेलकम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ बॉयलर्स की। मैं डॉक्टर एस के शर्मा, जीके पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और हमारी चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। ये जो टॉपिक है ये बीएमई का टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है और जो स्टूडेंट एमटेक करते हैं थर्मल में उनके लिए भी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, उसका भी ये पार्ट है। तो अच्छे से आपको समझना होगा ये परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ बॉयलर्स। तो सबसे पहला टर्म आता है इसमें एवोपरेटिव कैपेसिटी। बॉयलर के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की पहला टर्म है एवोपरेटिव कैपेसिटी या एवोपरेशन रेट। तो क्या ये अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इन किलोग्राम पर आवर बाय ए बॉयलर एट फुल लोड स्टम डैश एवोपरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर। कोई भी बॉयलर एक घंटे में कितने किलोग्राम स्टीम पैदा करता है, इसको बोलते हैं उसकी स्टीम जनरेशन रेट या एवोपरेटिव कैपेसिटी या एवोपरेशन रेट। स्टीम जनरेशन रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन थ्री वेज। इसको तीन तरह से व्यक्त करते हैं। पहला है एवोपरेशन रेट बराबर है टोटल स्टीम जनरेटेड अपॉन टोटल फ्यूल बर्न्ड। नीचे आर मिस हो गया है, टोटल फ्यूल बर्न्ड होना चाहिए। बराबर है मास ऑफ स्टीम अपॉन मास ऑफ फ्यूल इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। दूसरा पॉइंट है एवोपरेशन रेट बराबर है टोटल स्टीम जनरेटेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फर्नेस। फर्नेस कितनी बड़ी है भाई, इस पर भी डिपेंड करने वाला है। ज़्यादा बड़ी फर्नेस होगी तो ज़्यादा स्टीम पैदा होगी। ये लिखा हुआ है एम एस अपॉन वी एफ, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ फर्नेस इन के जी पर मीटर क्यू, क्यों वॉल्यूम मीटर क्यू में होती है, पर आवर। अगला है टोटल स्टीम जनरेटेड अपॉन एरिया ऑफ ग्रेट। ग्रेट वो जगह होती है जिस पर फ्यूल जलाया जाता है, तो ग्रेट कितना बड़ा है उसका एरिया, एम एस अपॉन ए। ये आता है के जी पर मीटर स्क्वायर में, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, पर आवर। लेकिन भाई एक दिक्कत ये है कि सिर्फ एवोपरेशन रेट के आधार पर आप बॉयलर की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बॉयलर में वर्किंग प्रेशर अलग अलग होता है। वर्किंग प्रेशर अलग अलग होगा तो स्टीम जनरेशन रेट भी अलग अलग हो सकती है। तो उनकी तुलना करने के लिए एवोपरेशन रेट या एवोपरेटिव कैपेसिटी या स्टीम जनरेशन रेट एक उचित मानक नहीं है, एक सही बेसिस नहीं है। तो सही बेसिस क्या है वो आगे देखते हैं हम। वो है इक्विवेलेंट एवोपरेशन। इसको बड़े गौर से समझना, इक्विवेलेंट एवोपरेशन। इक्विवेलेंट का मतलब है कि सारे बॉयलर को हम एक ही पैमाने पर ला रहे हैं, फिर एवोपरेशन की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या पैमाना है वो। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी जनरेटेड लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ष देखना, बाय द बॉयलर पर यूनिट टाइम फ्रॉम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर अंडर एटमोसफेयर प्रेशर। इसका मतलब है अलग अलग बॉयलर अलग अलग प्रेशर पर काम करते हैं। कोई कर रहा है 7.5 bar पे, कोई कर रहा है 15 bar पे, कोई कर रहा है 80 bar पे, सबका प्रेशर अलग अलग है। यहाँ लिखा हुआ है अगर एक एटमोसफेयर प्रेशर पर वो बॉयलर काम कर रहा हो और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में बदलने के लिए जितनी हीट चाहिए पर यूनिट टाइम पर आवर में, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट एवोपरेशन। इट इज डिनोटेड बाई एम ई, इसके सबस्क्रिप्ट में है। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाई द बॉयलर टू 1 kg ऑफ वाटर अंडर एवोमेशन कंडीशन इज, अगर इस कंडीशन की बात करें हम तो जो अमाउंट ऑफ हीट है हमारी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वो है 2260 किलो जूल पर केजी। इसे स्टीम टेबल से देख सकते हैं। अब देखते हैं कि हम इसके लिए क्या फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। लेट एम एस बराबर है मास ऑफ स्टीम जनरेटेड बाई द बॉयलर। लेकिन बॉयलर इस कंडीशन में काम नहीं कर रहा है ना, इस कंडीशन में काम करता तो 2260 किलो जूल पर केजी स्टीम वो क्या नाम है किलो जूल पर केजी हीट एब्जॉर्ब करता। उसकी कंडीशन अलग है, तो उसकी कंडीशन को देखें क्या है वो। एम एस माना हमने मास ऑफ स्टीम जनरेटेड बाई द बॉयलर। एच एफ वन माना हमने एंथैल्पी ऑफ पीट वाटर, जो पानी अंदर आया है उसकी एंथैल्पी माना हमने। ये इस एंथैल्पी उसने एंट्री की है। अब जिस एंथैल्पी बाहर जा रहा है तो हमें पता चल जाएगा उसने कितनी हीट गेन की है। एच है एंथैल्पी ऑफ स्टीम जनरेटेड अंडर जनरेटिंग कंडीशन, तो बॉयलर कितनी हीट गेन करेगा। एच में से एच एफ घटा दें, एच एफ वन पर एंट्री की और एच में बाहर गया है, तो इतनी हीट गेन की उसने पर के जी, मास का मल्टीप्लाई कर दें टोटल हीट गेन आ जाएगा उसका। सो हीट गेन्ड बाई द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर पर यूनिट टाइम कितनी हो जाएगी, मास ऑफ स्टीम में मल्टीप्लाई कर दें किसका, जो डिफरेंस एंथैल्पी है उसका, तो इतनी हीट उसने गेन की है। और उसे जो कंडीशन की बात की गई है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में बदलने के लिए जितनी हीट चाहिए वो है 2260। अगर 2260 से डिवाइड कर दें हम, अभी चाहिए एम एस इंटू एच माइनस एच एफ वन और 2260 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मास एवोपरेट होता स्टीम का। तो ये देखा हमें इक्विवेलेंट एवोपरेशन। दिस इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कैपेसिटी ऑफ ए बॉयलर इन टर्म्स ऑफ टोटल हीट एब्जॉर्ब पर आवर। तो किसी भी बॉयलर को जब हम कंपेयर करते हैं नापते हैं तो इक्विवेलेंट एवोपरेशन की सहायता से नापते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, इसे हम केजी ऑफ स्टीम में ऊपर पर केजी ऑफ फ्यूल में नापते हैं। अगला टर्म है बॉयलर थर्मल एफिशिएंसी।
It is defined as the ratio of heat absorbed by the steam per unit time from boiler and the amount of heat liberated by the combustion of fuel in the furnace per unit time. स्टीम ने कितनी हीट एब्जॉर्व की, ये बॉयलर का आउटपुट है, अपॉन कोयले के जलने के कारण, फ्यूल के जलने के कारण कितनी हीट पैदा हुई, ये इनपुट है. तो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो कहलाता है हमारा बॉयलर एफिशिएंसी. बॉयलर एफिशिएंसी आप देख सकते हैं मैथमेटिकली बॉयलर एफिशिएंसी बराबर है ईटा बी, ये नीचे आप देख पा रहे हैं एम एस एच माइनस एच एफ वन, ये उसका हीट एब्जॉर्व होगा ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला, और नीचे वाला क्या होगा उसका हीट प्रोड्यूस बाई द कंबशन ऑफ फ्यूल. नीचे कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वॉल्यूम अगर हम मास ऑफ फ्यूल का मल्टीप्लाई कर दें तो जितनी हमारी हीट रिलीज होगी वो पता चल जाएगी. सारे जो आपके नोटेशन है वो लिखे हुए यहाँ पे एम एस स्टीम फॉर्मेशन रेट इन केजी पर आवर, यहाँ पर आवर में एक्सप्रेस करते हैं हम सभी को. एम एफ है मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड इन केजी पर आवर. एच ए एंथैल्पी ऑफ स्टीम इन किलोजूल पर केजी. एच एफ बने एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर इन किलोजूल पर केजी. और सी बी ए कैलोरीफिक वैल्यू. तो बॉयलर ने कितनी हीट स्टीम को दी अपॉन फ्यूल के जलने के कारण कितनी हीट पैदा हुई, इसे बोलते हैं हम बॉयलर थर्मल एफिशिएंसी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल. जय हिंद जय भारत.